दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में गदर मचाएगा महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला होने वाली है कैप्टन कूल की टीम इंडिया में वापसी हो चुका है। सबसे बड़ा ऐलान तो आखिर क्या है, 140 करोड़ भारतीयों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। कब धोनी दोबारा टीम इंडिया में वापसी करने वाले, कैसे हुआ ये संभव, उसका पूरा समीकरण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी, रोहित और विराट में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों साल 2023 भारतीय टीम के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम की करारी हार के बाद विश्व कप पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मात्र कुछ महीनों में क्रिकेट का महाकुंभ भारतीय सरजमी पर शुरू होने वाला है, जिसमें टीम इंडिया के सामने जीत के अलावा कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। 140 करोड़ भारतीय केवल भारतीय टीम की जीत देखना चाहते हैं। ऐसे में BCCI से लेकर हर एक खिलाड़ी बेहद दबाव में है और खुद को साबित करने के लिए तड़प रहा है। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की हार के बाद भारतीय क्रिकेट मुसीबतों के भंवर में फंसा हुआ है। जहां कोच से लेकर कप्तान रोहित पर भी सवाल उठने लगे हैं, तो वहीं अब एक सटीक मैनेजमेंट बनाना BCCI की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। जहां भारतीय क्रिकेट के पिनेकल माने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी की एक बार फिर सभी टीम इंडिया में वापसी होते हुए देखना चाहते हैं, ये वही कप्तान है जिन्होंने भारत को 3 बार ICC चैंपियन बनाया। ऐसे में केवल भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठकर महेंद्र सिंह धोनी मुकाबले की दिशा दशा पलटने की क्षमता रखते हैं, ऐसी ही उम्मीद सभी को उनसे। इसी के चलते अब लोग धोनी को दोबारा टीम इंडिया में देखना चाहते हैं। आपको बता दें विश्व कप 2023 की शुरुआत 5 अक्टूबर से होने वाली है, जिसकी मेजबानी इस बार फिर से भारत के पास है। लेकिन भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारतीय टीम के पास ऋषभ पंत और KL राहुल के चोटिल होने के बाद एक भी ऐसा विकेट कीपर नहीं है जिसको वर्ल्ड कप जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए टीम में शामिल किया जा सके। ऐसे में BCCI के सचिव जय शाह धोनी को फिर से वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारतीय टीम में वापसी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा भी संभव है। जी हाँ, आपको बता दें ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि जय शाह धोनी को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, और ऐसे में अगर वो धोनी से रिक्वेस्ट करते हैं तो धोनी उनकी बातों को नहीं टालेंगे और इस रणनीति के तहत धोनी वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि MS धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन अगर वो संन्यास के बाद से फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करते हैं तो ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसा काम दुनिया के तमाम दिग्गज पहले भी कर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ल्ड कप 2003 के पहले भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने संन्यास ले लिया है, लेकिन वर्ल्ड कप 2003 के लिए सौरव गांगुली के रिक्वेस्ट करने पर जगवाल श्रीनाथ ने टीम में वापसी कर ली है। इसके अलावा शाहिद अफरीदी, इमरान खान, केविन पीटरसन, जावेद मियांदर और ड्वेन ब्रावो जैसे दिग्गज क्रिकेटर भी संन्यास के बाद दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने का काम कर चुके हैं। बता दें कि अगर धोनी वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में वापसी करते हैं तो टीम को वर्ल्ड कप के दौरान उनका अनुभव काफी ज्यादा काम आ सकता है। जी हां दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के कुल 350 मुकाबले खेले हैं, जिसके 297 इनिंग में उन्होंने 50 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए 10,773 रन बनाए। MS धोनी ने वनडे इंटरनेशनल में अब तक कुल 10 बार शतकीय और 73 बार अर्धशतकीय पारी खेली है, तो वहीं उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 3 बार भारत को ICC चैंपियन बनाना है। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी की वापसी किसी भी कीमत पर भारतीय टीम में कराई जानी चाहिए। ऐसे में 140 करोड़ भारतीयों का एक सुर में मानना है कि ऐसे में यह देखना दिलचस्प होता है कि महेंद्र सिंह धोनी अब अपने करियर पथ पर कौन सा नया फैसला लेते हैं और क्या हमें धोनी दोबारा भारतीय टीम में देखने को मिलने वाले हैं या नहीं। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।